हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है चेन्नई सेंट्रल भुवनेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है चेन्नई सेंट्रल भुवनेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है चेन्नई सेंट्रल तमिलनाडु से उड़ीसा के भुवनेश्वर के बीच में चलती है। ये वीकली ट्रेन है, हफ्ते में सिर्फ एक दिन चलती है चेन्नई सेंट्रल से। ये हर शुक्रवार को चलती है भुवनेश्वर के लिए। और अगर हम बात करें इसके ट्रेन नंबर के बारे में तो इसका ट्रेन नंबर है 128-29। ये 20 घंटे 15 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है और इसके तकरीबन 21 स्टेशन हैं। और चेन्नई सेंट्रल से भुवनेश्वर की जो दूरी है वो है 1225 किलोमीटर की और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 61 किलोमीटर पर आवर। अगर हम बात करें इसके टिकट किराए के बारे में तो इसमें सेकेंड एसी का जो किराया है वो है 2100 रुपये, थर्ड एसी का जो किराया है वो है 1455 रुपये और स्लीपर क्लास का जो किराया है वो है 550 रुपये। इसके अलावा इसमें जनरल अनरिजर्व डिब्बे भी हैं जिसका किराया जो है लगभग 304 रुपये है। ये किराया अपडेटेड किराया नहीं है। आप अपडेटेड किराया जानने के लिए रेलवे की वेबसाइट पर जरूर रेफर करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं चेन्नई सेंट्रल भुवनेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं कि चेन्नई सेंट्रल से भुवनेश्वर तक इस ट्रेन के कौन कौन से स्टेशन आते हैं। दोस्तों, चेन्नई सेंट्रल भुवनेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है चेन्नई सेंट्रल तमिलनाडु से हर शुक्रवार को रात के 9:10 पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और इसके तकरीबन 21 स्टेशन हैं। उसके बाद चेन्नई सेंट्रल भुवनेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो अपने दूसरे स्टेशन सुलूरुपेटा में पहुंचती है रात के 10:23 पे और 10:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 83 किलोमीटर की जर्नी जो है ये कवर कर चुकी होती है यहां तक। उसके बाद ये ट्रेन जो है गुड्डूर जंक्शन में पहुंचती है रात के 11:15 पे और 11:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है और 138 किलोमीटर की यात्रा जो है ये चेन्नई सेंट्रल से कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है नेल्लोर स्टेशन में पहुंचती है। नेल्लोर स्टेशन रात के 11:50 के करीब पहुंचती है और 11:50 पे ही वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है ऑनगोल स्टेशन में पहुंचती है रात के 1:17 पे और 1:18 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद चेन्नई सेंट्रल भुवनेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो चिराला स्टेशन में पहुंचती है। चिराला स्टेशन में ये 1:53 पे पहुंचती है और 1:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है तेनाली जंक्शन में पहुंचती है। तेनाली जंक्शन में ये 2:33 पे रात को पहुंचती है और 2:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद चेन्नई सेंट्रल भुवनेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है विजयवाड़ा जंक्शन में पहुंचती है। यहां पर ये ट्रेन जो है 3:55 पे रात को पहुंचती है और 4:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है और 431 किलोमीटर की यात्रा जो है ये चेन्नई सेंट्रल से कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है इल्लूरू स्टेशन में पहुंचती है सुबह 4:51 पे और 4:52 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद चेन्नई सेंट्रल भुवनेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है तेडमपली गुडम स्टेशन में पहुंचती है। यहां पर ये ट्रेन जो है 5:34 पे पहुंचती है और 1 मिनट बाद 5:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है राजा मुंद्री स्टेशन में पहुंचती है 6:30 पे सुबह और 6:32 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है टूनी स्टेशन में पहुंचती है 6:48 पे सुबह और 6:50 के करीब वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद चेन्नई सेंट्रल भुवनेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो अन्ना कापले स्टेशन में पहुंचती है। अन्ना कापले स्टेशन में ये 8:48 पे पहुंचती है सुबह और 1 मिनट बाद वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद चेन्नई सेंट्रल भुवनेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है विशाखापट्टनम जंक्शन में सुबह 10:25 पे पहुंचती है और 10:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके 20 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है विजयनगरम जंक्शन में पहुंचती है सुबह 11:43 पे और 11:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है श्री काकुलाकुलम रोड में पहुंचती है 12:38 पे दोपहर को और 12:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद चेन्नई सेंट्रल भुवनेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो अपने अगले स्टेशन प्लासा में पहुंचती है 1:43 पे सुबह और 1:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर उसके बाद ये ट्रेन जो है ब्रह्मापुर स्टेशन में पहुंचती है 2:43 पे दोपहर को और 2:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बालूगांव स्टेशन में पहुंचती है शाम के 3:43 पे और 3:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने सेकंड लास्ट स्टेशन खुर्दा रोड जंक्शन में पहुंचती है शाम के 4:50 पे और 4:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद चेन्नई सेंट्रल भुवनेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन भुवनेश्वर में पहुंचती है शाम के 5:25 पे और
दो नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल जर्नी है ये 1225 किलोमीटर की ट्रेन जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ चेन्नई सेंट्रल भुवनेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और बाकी लोगों के साथ शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।